नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेके आया हूँ और आज बताऊंगा आपको प्रैक्टिकली कि सेक्शन 44AD के अंदर कैसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाएंगे। ये प्रैक्टिकल वीडियो है। पहले मैंने थ्योरेटिकल में बताया था कि कैसे प्रेजम्प्टिव बेसिस पे अपनी इनकम को दिखा के ITR को फाइल कर सकते हैं। आज की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाएंगे और बैलेंस शीट को बनाएंगे सेक्शन 44AD के अंदर, जहां पे अपनी 6% या 8% की इनकम को दिखा के ITR को फाइल कर सकते हैं। उससे पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कॉन्टेंट आपको मिलता रहे। सर दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। देखो, यहाँ पे प्रेजम्प्टिव बेसिस पे इनकम अगर आप दिखा रहे हैं, सेक्शन 44AD को ऑप्ट किया है और उस बेसिस पे आप इनकम दिखा रहे हैं, तो अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक होती है तब आप इस सेक्शन को ले सकते हैं, प्रेजम्प्टिव बेसिस वाली स्कीम को ले सकते हैं, सेक्शन 44AD को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम कमीशन इनकम होती है, ब्रोकरेज इनकम होती है, तब आप इस स्कीम को नहीं ले पाएंगे और फिर आपको नॉर्मल बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, नॉर्मल बिजनेस दिखाना पड़ेगा, प्रेजम्प्टिव बेसिस पे नहीं दिखा सकते। अच्छा, तो प्रेजम्प्टिव बेसिस के फ़ायदे क्या होते हैं? देखो, प्रेजम्प्टिव बेसिस का फ़ायदा ये हो गया कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। ऑडिट कुछ केसों में कराना पड़ता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। दूसरी बात ये होती है, जो भी ग्रोज रिसीट्स करते हो आप, जो भी आपने रिसीव किया, सेल किया, या जो भी आपकी टर्नओवर है, उसका एक सर्टेन परसेंटेज दिखा के आप अपनी इनकम को डिक्लेयर कर सकते हो और ITR फाइल कर सकते हो। जैसे कि अगर आप कैश में रिसीव करते हैं, मतलब लेन देन जो हो रहा है आपका कैश में हो रहा है, सेल जो आपकी कैश में हो रही है, तो उस केस में रिसीट्स का या सेल का आपको 8% प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रॉफिट दिखा रखा है हमने, और नेट प्रॉफिट जो है वो 41% है, और GP ये है ग्रोस प्रॉफिट, ये 15% है, ठीक है। तो ये 8% से ज़्यादा है, आप 8% दिखाएंगे या उससे ज़्यादा? अगर उससे कम पे चले जाएंगे, 8% से कम पे, तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप कैश में लेन देन कर रहे हैं। और अगर आप डिजिटली लेन देन कर रहे हैं, बैंक के थ्रू है, फोन पे है, UPI है, कोई भी माध्यम है कैश के अलावा, ठीक है, तो उस केस में आप अपनी टर्नओवर का 6% प्रॉफिट दिखा सकते हैं। गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया है ताकि डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट कर सके, ठीक है, कैश के ट्रांजेक्शन को बंद कर सके। तो अगर आप डिजिटली कर रहे हैं तो फायदा यह मिल जाता है कि 2% की आपको छूट और मिल जाती है, कि भाई 2% कम और प्रॉफिट दिखा सकते हो, ठीक है। उससे होता क्या है, प्रॉफिट कम दिखाने से आपका टैक्स नहीं बनता है। अगर आपकी टर्नओवर मान के चलिए 60 लाख है, 70 लाख है, या 1 CR के आसपास है, तो भी आप डिजिटली कर रहे हैं तो 6% दिखा के और उस हिसाब से टैक्स पे कर सकते हैं। और अगर 6% से कम पे जाते हैं तब आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। यानी टैक्स ऑडिट की कंडीशन ये है कि अगर आपने 6% या 8% से कम की टर्नओवर दिखा दी, कैश में लेन देन कर रहे हैं तो 8% से कम की आपने प्रॉफिट दिखा दिया, मतलब कि कैश में लेन देन कर रहे हैं और जो भी आपकी सेल हुई या ग्रोज रिसीट्स हुई, उसका अगर आपने 8% से कम दिखा दिया, तब आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। और जो भी आपकी सेल हुई या टर्नओवर हुई, उसका 6% से कम दिखा दिया, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझा देता हूँ। देखो, ये है मेरी सेल और ये मैंने पूरा का पूरा कैश में लेन देन किया है, मेरी ये टोटल सेल आ गई, ये क्लोजिंग स्टॉक है और ये ओपनिंग स्टॉक है। और अगर मैं देखूँ तो सेल और ये क्लोजिंग स्टॉक, ये दोनों जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद ये इनकम बनती है, फिर यहाँ से ये एक्सपेंसेस लेस होने के बाद GP निकलता है। अभी मेरे पास GP 15% है, ठीक है, उसके बाद GP निकलने के बाद ये इनडायरेक्ट इनकम हो गई और यहाँ से हमारे ये सभी एक्सपेंसेस है, ठीक है, ये एक्सपेंसेस हमने डाल दिया है। अब नेट प्रॉफिट हमारा ये आ रहा है, जो कि 41% है नेट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 8% से ज़्यादा है। देखो, मैं आपको फॉर्मूला भी दिखाता हूँ। देखो, GP कैसे निकाला है, GP निकालने के लिए GP का जो परसेंट निकाला है वो GP को सेल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर दिया है, तो यहाँ से हमारा GP निकल गया। ऐसे ही नेट प्रॉफिट निकालने के लिए नेट प्रॉफिट को सेल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर दिया, तो NP निकल गया, भाई ये इतने परसेंट है, ये परसेंट में, ठीक है। GP जो है यहाँ पे इन परसेंट कर देता हूँ मैं,
ऐसे ही एनपी यहाँ पे इन परसेंट है, परसेंट में है, मतलब परसेंटेज में है, ठीक है। तो सिंपल है, जीपी का परसेंटेज निकालने के लिए सेल से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई 100, ये जीपी निकल गया। ऐसे ही नेट प्रॉफिट निकालने के लिए नेट प्रॉफिट को सेल से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई 100 कर दिया, तो ये नेट प्रॉफिट निकल गया। अभी बात करते हैं क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की जरूरत है, क्या इनके अकाउंट, कैश बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, वाउचर्स, बिल, फाइल, क्या मेंटेन करने की जरूरत है। तो प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर आपको गवर्नमेंट छूट दे देती है, आप यहां पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने सेक्शन 44AD को ऑप्ट किया हुआ तो। नहीं आपको उसका कैश बुक मेंटेन करना, नहीं आपको बैंक बुक, नहीं आपको पार्टी लेजर, नहीं आपको परचेज फाइल, सेल फाइल, वाउचर्स, स्टॉक रजिस्टर, बहुत सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो कि मेंटेन करने की जरूरत नहीं है अगर आपने 44AD को ऑप्ट किया है तो। अभी हम बात करें बैलेंस शीट की, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है नॉर्मल बैलेंस शीट है जो कि हमने प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम के हिसाब से बनाया हुआ है। ये ड्राइंग आ गई, ये कैपिटल अकाउंट है, लोन अकाउंट है, क्रेडिटर्स है। देखो आप पीएनएल को बना के, बैलेंस शीट को बना के डायरेक्टली आईटीआर फाइल कर सकते हैं, इसके अकाउंट्स को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अब जो भी प्रॉफिट आएगा ये प्रॉफिट सीधा आपके कंप्यूटेशन में जाएगा और उसी हिसाब से आपका टैक्स बनेगा जब आप आईटीआर फाइल करेंगे। इसमें आईटीआर फाइल कौन सी होगी, आईटीआर 4 फाइल होगी। और एक कंडीशन और है कि अगर आपने प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम सेक्शन 44AD को एक बार ऑप्ट कर लिया तो 5 साल तक उससे बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। एक बार लेने के बाद लगातार आपको 5 साल आईटीआर 4 ही फाइल करनी पड़ेगी। अगर उससे बाहर आते हैं तो उस केस में, जैसे कि आईटीआर 3 में जाते हैं नॉर्मल बिजनेस इनकम है, तो उस केस में आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस इनकम में जाने का मतलब हो गया कि आपने सेक्शन 44AD से बाहर आ गए, और उस केस में आप अपनी टर्नओवर 8 या 6 से कम दिखा सकते हैं, तो उस केस में आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। ये बैलेंस शीट की रिपोर्ट सेक्शन 44AD में जाती है, फाइनेंशियल शेड्यूल के अंदर आप इसको की डिटेल देते हो, ठीक है, आईटीआर 4 के अंदर जब फाइल करते। तो मैंने बताया हुआ है कि आईटीआर 4 सेक्शन 44AD में बिजनेस इनकम के लिए कैसे फाइल करते हैं, तो आप मेरी पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हैं। रही बात इस बैलेंस शीट की, तो अगर आप इस बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो समझ गए दोस्तों, सिंपल सी बात है, सेक्शन 44AD अगर आपने ऑप्ट किया है तो आप अपनी सेल्स का, टर्नओवर का या ग्रोथ एसेट्स का, उसका 6% या 8% टर्नओवर दिखा सकते हैं। अगर बैंक में है तो 6% दिखा के इनकम डिक्लेयर करके उस हिसाब से आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। कैश में लेन देन किया है तो 8% दिखाना पड़ेगा। अगर आप इससे कम जाते हैं तो ऑडिट कराना पड़ेगा। अब रही बात, ये कई लोग बोलते हैं यार सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाए, हमारे पास तो डिटेल नहीं है, डाटा नहीं है, कैसे बनाए। तो कैश की ट्रांजेक्शन में तो बस आपको इतना पूछना है, भाई कैश में कितना लेन देन करते हो, उसी हिसाब से कैश में सेल दिखा देंगे, स्टॉक क्या है। वो जो बिजनेस मैन है वो इससे ही डिटेल लेनी पड़ेगी, उसके पास अगर कोई रजिस्टर है जिसमें उसने सेल, अगर उसके पास बिल बुक भी है तो उससे आप अंदाजा आपको लग जाएगा कि हाँ इसने बिल काटे हैं और ये कैश में सेल है, उसी हिसाब से सेल दिखाओगे। उस हिसाब से आपको बैंक चेक कर लेना है कि बैंक में कितना उसने डिपॉजिट कराया, बैंक में कितनी ट्रांजेक्शन्स है, क्या बैंक से कितना कैश निकाला, क्योंकि जितना कैश निकाला होगा बैंक से या उसके पास जितना कैश इन हैंड होगा उसी हिसाब से आप एक्सपेंसेस को डाल सकते हैं। अगर कैश इन हैंड है ही नहीं और बैंक से कोई एक्सपेंस किया ही नहीं है तो आप एक्सपेंसेस कैसे डालेंगे। एक्सपेंसेस डालने के लिए आपके पास कैश होना चाहिए और उसने बैंक से एक्सपेंस किया हो, तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए अगर 6% वाली टर्नओवर है तो बैंक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाती है कितनी रिसीट्स है, कितनी पेमेंट्स है, क्या एक्सपेंसेस है, उस स्टेटमेंट के हिसाब से आप इजीली बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बना सकते हैं सेक्शन 44AD के अंदर। तो समझ गए दोस्तों, इस प्रकार से आपको 6% और 8% वाली टर्नओवर के हिसाब से अपनी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना है और इनकम को दिखाना है, और उसी हिसाब से आपको अपनी आईटीआर को फाइल करना है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।